नैनी, तू मेरे पास मत आना, जाओ यहां से। नैनी, जाओ यहां से। स्वामी। नैनी, जाओ यहां से। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नाग देवी, चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे स्वामी को कुछ मत करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो। कृपया यहाँ से चली जाओ। देवी लक्ष्मी माँ। कुछ नहीं हुआ ना स्वामी? नैनी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब मैंने सांप के बारे में कहा, आप नहीं माने ना? देखिए, वो सच हो गया। आपको कुछ नहीं हुआ ना? सब माँ विश्वलक्ष्मी का आशीर्वाद है। ये क्या है? ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ आज से पहले तो कभी नहीं आई, तो फिर यहाँ क्यों आई हूँ मैं? मयूरी का विवाह हुआ था वो याद है, ये भी याद है कि नागमणि में जीवात्मा समाई थी, और ये भी याद है कि नागमणि को किसी ने चुरा लिया था। उसके बाद क्या हुआ? ये किसका घर हो सकता है? इतने बड़े सांप को मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सांप आखिर मुझे क्यों मारना चाहता था? किसी जन्म में आपकी वजह से सांप को परेशानी हुई होगी, उसका श्राप हो सकता है। ये बस नाग दोष हो सकता है, पूजा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नैनी, जहां तक मुझे पता है, मैंने किसी सांप को कभी परेशान नहीं किया, वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा, यही समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ इसे मारने आई थी? वो अपने पति के लंबी आयु के लिए पूजा कर रही है, और मैं हूँ कि यहाँ उसके पति को ही मारने चली आई? कितना घोर अपराध करने जा रही थी। हे परमेश्वर, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, अगर मैं यहीं रही तो ना जाने मुझसे और क्या हो जाएगा। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। चलो अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ? बैठ जाओ। नहीं,
क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं स्वामी, मैंने एक मंदिर को देखा, किसी देवी का मंदिर है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बार बार वही दिख रहा है। अब तक जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन मैं इतनी दूर बिना जान पहचान के उस गांव में कब गई? वो किसका घर था? मैं वहाँ क्यों गई थी? कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल रही हूँ? नागमणि मोहिनी ले गई थी। नागमणि में मेरी और आदिशेष की शक्ति जब तक नहीं समा जाती, तब तक वो अपने पूर्व रूप में नहीं आएगी, पूर्व शक्ति में नहीं लौट पाएगी। गुरुजी के कहे अनुसार एक स्त्री की सहायता से नागमणि मुझे वापस मिलेगी, लेकिन ये सब कब होगा? आसपास इतने शत्रु होने के बावजूद भी गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। क्या हुआ नागिन? बहुत गहरी सोच में डूबी हुई। सोचना ही पड़ेगा ना, मेरा परम शत्रु मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, उसे देखकर भी मुझे चुप बैठना पड़ रहा है, तो कब वो समय आएगा जब मैं उसका संहार कर पाऊंगी, यही सोच रही हूँ। तो तुम सपने देखना छोड़ दो, जब तक तुम मरती नहीं हो मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही मिलूंगा, और जिस दिन तुम मरोगी तुम्हारी लाश को मैं ही आग लगाऊंगा। जब मृत्यु निकट आती है तब ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक ही होता है। मैं इस लोक में इसलिए आई ताकि मैं नागमणि पाकर आदिशेष के साथ वापस अपने नाग लोक लौट सकूं। लगता है तुम्हें एक ही बात बोलने की बीमारी है, बड़ी बड़ी बातें कभी काम नहीं आती। कभी कभी रात को निकल जाती हो और अजीब पूजा करती हो, क्या ये तुम्हारी पूजा तुम्हें जीतने में मदद करेगी? ए दिग्विजय, इस अमावस की रात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और वो भी मेरे हाथों। इस अमावस की रात के बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, विशेष पूजाओं से मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, तब देखेंगे कौन किसे मारता है, मैं या तुम। नागिन, ये खेल शुरू हो चुका है, अब तुम रहोगी या फिर मैं बचूंगा। नैनी, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? जब आंखों के सामने ऐसी घटना घटी तो किसी को नींद कैसे आएगी? वो सांप आपको मारने आया था, ये सोचकर भी डर लग रहा है। नैनी, वो एक बुरा सपना था, बुरे सपने सच नहीं होते हैं, ओके? उसे भूल जाओ। अगर उसके बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हें टेंशन होगी, उस टॉपिक को यहीं पर छोड़ दो, ओके? टीवी देखने से माइंड डाइवर्ट होगा। ये कनक दुर्गा का गणेश्वरी मंदिर है, यहाँ माता पार्वती वास करती हैं। यहाँ माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की, ऐसा कहा जाता है, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा अनुसार उनसे विवाह किया। स्वामी, यही है, यही मंदिर मैंने देखा था। कल मैंने जिस मंदिर को सपने में देखा था, आज वो टीवी में दिख रहा है, ये कैसे संभव है? नैनी जी, इस कार्यक्रम का नाम है हमारे गांव का मंदिर। इस कार्यक्रम की स्पेशलिटी क्या जानती हो? ये किसी भी मंदिर की पूरी जानकारी देते हैं, मतलब इसका प्रोमो उन्होंने कल पे किया होगा और तुमने उसी को देखा होगा, उसमें तुमने इस मंदिर को भी देखा होगा, इसीलिए ये मंदिर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है बस। हे महादेव, भंडारधारी, सात कोटि मेलार लिंगेश, चांग भला, चांग भला, चांग भला। मेलार लिंगेश पहाड़ का राजा, मेलार लिंगेश पहाड़ का राजा,
भक्तों की इच्छा पूरी करने वाला मैलारलिंगेश। चांग भला, चांग भला, चांग भला। मन में बहुत सी उलझने थी स्वामी, आपके आने के बाद सब दूर हो गए, मन को शांति मिली। एक मिनट यहीं रुकिए। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले मैलारलिंगेश, भक्तों के लिए बड़े असुर संहार करके मैलार में बसने वाले हैं मैलारलिंगेश। ये लीजिए स्वामी। नहीं चाहिए बेटी। क्यों स्वामी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, घोर विपत्ति घट चुकी है। इस घर में काल सर्प का आगमन हुआ है। जिस घर में काल सर्प आए वो घर काल यम की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे घर से अगर हम भिक्षा ले लें तो मृत्यु भिक्षा बनकर हमारी झोली में प्रवेश करेगी। ये सब आप कैसे जानते हैं? सांप यहाँ मृत्यु देखने आया था, वो यहाँ तुम्हारा सुहाग उजाड़ने आया था। बेटी तुम्हारे सुहाग के लिए एक समस्या है, उसे बचा लो, यही बताने के लिए मैलारलिंगेश ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर तुम उस संकट का समाधान चाहती हो तो मैं ये भिक्षा ले लूंगा। बेटी मुझे क्या करना होगा स्वामी जी? तुम्हें पार्वती मंदिर जाना होगा, वहाँ जाकर नवरात्रि में पूजा करोगी तभी तुम अपना सुहाग बचा पाओगी। चाहे कितनी भी परेशानी आए मैं अपने सुहाग की रक्षा करके ही रहूंगी। कृपया करके भिक्षा लीजिए। हे परमेश्वर, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है? मैं तो आपकी भक्त हूँ, आपके आशीर्वाद से मिली हुई शक्ति है मेरे अंदर, लेकिन ये कैसी शक्ति है जो आपकी दी हुई शक्ति की समझ में नहीं आ रही। मैं वहाँ क्यों गई थी मैं नहीं जानती, बस इतना पता चला कि मैं वहाँ एक पाप करने के लिए गई थी। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं एक निरपराधी के प्राण हरने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? इस समस्या का क्या समाधान है प्रभु? हे परमेश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मन और मेरा शरीर किसी और के अधीन ना हो जाए। कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं, उस नागिन को मेरे सामने आना ही होगा। सामने आने के लिए आज्ञा दीजिए प्रभु। नागिन इसी क्षण मेरे सामने आ जा। मैंने जो करने के लिए बोला था उसका क्या हुआ नागिन? वो अभी तक विधवा क्यों नहीं हुई? तुम्हें उसके पति की हत्या करनी होगी। जाओ, जाओ और जाकर उसकी हत्या कर दो। अभी जाकर उसे मार दूंगी मैं। मालिक आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। दिग्विजय यहां आया है, ये असली दिग्विजय नहीं है। वो और इस मंदिर में नहीं, लगता है वो किसी शूद्र शक्ति का उपयोग करके रूप बदल कर यहां आया है। ये तो महाशक्ति मंदिर है, अंदर पैर रखते साथ ही उसका असली चेहरा सामने आएगा। आज मैं जान कर रहूंगी कि ये कौन है और क्यों इसने दिग्विजय का रूप धारण किया है। कैसे संभव है? अगर देह में शूद्र शक्ति हो तो कोई भी इंसान मंदिर में पैर नहीं रख सकता।
तुम मंदिर जाके दर्शन करो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ओके ओम गरुड़ देवाय नमः, ओम गरुड़ देवाय नमः, ओम गरुड़ देवाय नमः। इन अगेन शीघ्र जाओ, शीघ्र कार्य समाप्त कर आओ, जाओ। जय भोलेनाथ। महाकाल, महारुद्र, महादेव, ये कैसा घोर अन्याय है! आप अपने अंश के द्वारा इतना बड़ा अपराध क्यों करवा रहे हैं प्रभु? ये कैसा न्याय है सकल लोक के न्यायधीश? हे महादेव भंडारधारी सात कोटि मेला लिंगेश, चांग भला, चांग भला, चांग भला। नमस्ते स्वामी जी, आप यहाँ? मेला लिंगेश की जैसी आज्ञा होगी मैं वहीं जाऊंगा ना बेटी। सपने में तुमने जिस सांप को देखा था उसका रंग कैसा था, ये मालतेश पूछ रहे हैं बेटी। वो थोड़ा स्वर्ण रंग का था। मैंने कई सांप देखे हैं, लेकिन ऐसा सांप पहले कभी नहीं देखा। वो सांप नहीं है बेटी, मृत्यु है, घोर मृत्यु है। वही सांप इस गांव में है। इस गांव में किसके घर स्वामी जी? वहाँ जो पूजा कर रहा है ना, उससे जाकर पूछो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ नंदीश? यज्ञ की तैयारी हो चुकी है। ठीक है। हे महादेव भंडारधारी सात कोटि मेला लिंगेश, चांग भला, चांग भला, चांग भला। ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? हे गरुड़देव, इस पर शुद्र शक्तियों के प्रयोग होने के कारण ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। ये मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाए, इसकी सहायता कीजिए गरुड़देव। अब भी मौन रहेंगे आप? आपकी अर्धांगनी पार्वती देवी के मंदिर के भीतर आपके भक्त की अग्नि परीक्षा हो रही है। हे 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 प्रभु, उसके हाथों से कोई भूल ना हो जाए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। भोलेनाथ। नैनी, कहाँ जा रही हो? स्वामी, मुझे उनसे बात करनी है। बात करनी है? लेकिन क्यों? आपको सब बताऊंगी, पहले चलिए। ठीक है। सर, सर। नमस्ते, मेरा नाम नैनी है और मैं ईश्वर मंगल से आई हूँ। मालिक, मैं यज्ञ के पास रहूंगा। ये मेरे पति हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। गांव में नए हो क्या? तुम्हें कोई सहायता चाहिए? मुझे एक जवाब चाहिए। हाँ, पूछो। मेरे सपने में कल एक सांप दिखा था। हे शंभु महादेव, महाघोर को टाल दो महेश्वर, वो पूर्ण सती है, पूर्ण साध्वी है, विधवा नहीं हो सकती है। उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए महादेव। उसे बचा लो रुद्र, उसे बचा लो महेश्वर।
महादेव, आज असुरों का नाश होगा। वही सांप हमारे घर में आकर मेरे पति को डसने की कोशिश की। लेकिन तुम मुझे ये बात आखिर बता क्यों रही हो? वो वहाँ बैठे स्वामी जी ने बताया कि आपके घर भी वही सांप आया था। कौन से स्वामी? यहाँ तो कोई नहीं है। यहीं पर तो थे, अब दिख नहीं रहे। उस सांप का रंग कैसा था? उसका रंग स्वर्ण रंग का था। ये सब हुआ कब? कल रात को। शिवानी तब नहीं थी, क्या वो इसके यहाँ गई होगी? वो क्यों उसके पति को मारना चाहती है? इन्होंने कोई अपराध किया होगा, या कभी किसी सांप को मारा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में परिवार के सभी लोग सांप की पूजा करते हैं सर। सो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई श्राप है। क्या साध्वी के पति को मारने गई नागिन दिग्विजय को क्यों मारने की कोशिश कर रही है? मेरी शक्ति को रोककर उसे शक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति कौन है? मालिक, पेड़ की डाली गिर गई। कैसे हुआ? किसने गिराई? आप पर गिरी होती तो क्या होता? अरे हवा से गिर गया होगा। आज बेटी तुमने मेरी जान बचा ली। अरे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सब उस भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा बताओ, कैसी सहायता चाहिए? कोशिश करूंगा। मेरे पति को सांप से खतरा है, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। कोई समाधान है तो बताइए। अगर तुम मंदिर की 3 दिनों तक पूजा करोगी तो दोनों के लिए सब ठीक हो जाएगा बेटी। 3 दिन हमें इसी गाँव में रहना होगा। अच्छा कहाँ रहोगे ये सोच रहे हो क्या? मेरा घर है ना। सर बेवजह आपको क्यों कष्ट दें? नहीं आओगे तब कष्ट होगा। तुम हमारे गेस्ट हो, हमारे घर चलो। मेरा नाम दिग्विजय है, किसी से भी पूछो घर पहुंचा देगा। प्लीज आप लोग आइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। हम पूजा खत्म करके आते हैं। हाँ बिल्कुल, चलते हैं सर। शिवानी वहां क्यों गई थी? ये लोग कौन है? नागमणि से इनका क्या संबंध है? नहीं नहीं, लेकिन नागमणि इसके पास हो सकती है। कहीं सिर्फ इसी वजह से शिवानी इसे मारना तो नहीं चाहती थी। भगवान, दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीजों से मुझे मुक्ति दिलाइए प्रभु। हे अभय, अभय तुम्हें देखे कितने दिन हो गए। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी देखा ही नहीं है। हे, क्या हो गया? मैं तब से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रहे। वो ये अभय का फ्रेंड है, अभय इसे जानता होगा लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ। अभय क्या हुआ यार, बोलो ना। अभय क्लोज फ्रेंड से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, इतना भी नहीं पता क्या? और ऊपर से तुम अनजान की तरह बिहेव कर रहे हो। उस शिवानी को मारकर आदिशेष की रानी बनकर जीना चाहती थी, ऐसा सपना था मेरा। लेकिन आदिशेष सब कुछ भूल चुका है। अगर उसे याद भी आता है तो उसका प्यार
सिर्फ शिवानी के लिए रहेगा। नागलोक के अनुसार आदिशेष के साथ मुझे नागमणि को भी नागलोक लेकर जाना होगा, लेकिन वो नागमणि तो उस मोहिनी के पास है। मुझे किसी तरह नागमणि को उस मोहिनी से चुरानी होगी। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तुम जानते हो ना कि मैं क्या काम करता हूँ? हाँ, तुम एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हो। हाँ, मैं एक सीक्रेट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आइडेंटिटी छुपी हुई है। मैं अंडरकवर हूँ। ऐसी बात है तो बताना चाहिए था ना। देखो, आई एम वेरी सॉरी। अरे भाई, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आया है? लेकिन तुम यहाँ पर? नैनी के साथ मंदिर आया हूँ। नैनी? ये नैनी कौन है? हे अभय, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में नैनी को नहीं जानते? हर साल तुम्हें राखी बांधती है, अब एकदम से पूछ रहे हो कि नैनी कौन है? तुम सच में अभय ही हो ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कौन दिखाई दे रहा हूँ? तुम एक तो अभय जैसे ही रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा बर्ताव उसकी तरह नहीं है। तुम तो मेरी पत्नी नैनी को भी नहीं पहचान पाए। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा था कि तुम जानते हो या नहीं। कैसा था मेरा मजाक? भैया, क्या यार, कैसे हैं आप? भैया? कौन भैया? मानव लोक आते ही तुम मानव बन गए और तुम बदल गए शेषनाग। तुम्हारे लिए मैंने 125 सालों तक प्रतीक्षा की। तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा जन्म तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन तुमने उस मानव कन्या के प्रेम में पड़कर मेरे साथ विश्वासघात किया है। शेषनाग, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी शेषनाग। मैं सिर्फ नाग लोक से बदला लेना चाहती थी, पर अब मुझे तुमसे भी कोई प्रेम नहीं है। तुम्हारे लोक का ऐश्वर्य नागमणि अब मेरे वश में है शेषनाग। उस नागमणि में आदिशेष की शक्ति डालने से नागमणि पुनः शक्तिशाली हो जाएगी और उसी शक्ति से मैं समस्त नागलोक का नाश कर दूंगी। पहले उस शिवानी का अपहरण करके आदिशेष को धमका कर नागमणि में शक्ति डालूंगी। कहाँ हो शिवानी? ये क्या आपके दोस्त ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जानते ही नहीं? मैं जानता हूँ, जैसे तुम्हारे पति को उल्लू बनाया तुम्हें भी बनाया। कैसा था मेरा मजाक? और बताओ, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? हम तो मंदिर आए थे, और आप? मेरा यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन था, इसीलिए आया हूँ। बस थोड़े दिन और इसी गांव में रहूंगा। ओह अच्छा, तो हम भी पूजा खत्म होने तक इसी गांव में रहेंगे। ओह अच्छा, तो कहाँ रुके हुए हो? उनका नाम क्या था? हाँ, दिग्विजय। वो इस गांव के बड़े जमींदार हैं। हम उन्हीं के यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, मैं भी उनके ही घर पे रह रहा हूँ, वो केस के सिलसिले में। ठीक है ठीक है, पूजा खत्म कर लो, मैं यहीं पर वेट करता हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे। ठीक है, नैनी परिक्रमा करके आते हैं। ये कौन है? ये अभय को कैसे जानते हैं? और पिताजी ने इन्हें घर क्यों बुलाया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहिनी, बताओ नागमणि कहाँ है? बताओ। नहीं बताऊंगी तो क्या मार दोगी? अब तुम मेरे वश में हो नागिन, तुम्हारा पूरा लोक भी एक साथ आ जाए ना, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
नागिन, अब तुम मेरे वश में हो और अब तुम अपने मूल रूप में नहीं जा पाओगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। बिना अस्तित्व के लोक की प्रेत हो तुम। देवलोक के बाद नागलोक आता है और मैं उसी नागलोक से हूँ। तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुझे मेरे मूल रूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा यही रूप काफी है तुमसे नागमणि वापस ले जाने के लिए। कोशिश भी मत करना, तुम मुझे छू भी नहीं सकती। ऐसे में तुम मेरे पास जो नागमणि है उसे अपने वश में नहीं कर सकती। मेरे पास जो नागमणि है उसमें आदिशेष की शक्तियां मिलाऊंगी तो वो नागमणि पूर्व रूप में आ जाएगी। लेकिन तुम नहीं जानती आदिशेष कहाँ है। आदिशेष कहाँ है ये शायद तुम नहीं जानती हो, लेकिन मैं जानती हूँ। ए, जानती हो तो बताओ मेरा आदिशेष कहाँ है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा आदिशेष कहाँ है, पर पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा शेषनाग कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आदिशेष को बंदी बनाकर उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। नागमणि में शक्ति डालकर तुम्हारे सामने उसका संहार कर दूंगी। तुम यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम अब मेरे वश में हो। जब मैं आदिशेष को लेकर आ जाऊंगी तब तुम दोनों का संहार होगा। आदिशेष को लेकर आएगी ना, तो आने दो, उसके आने तक मैं यहीं रहूंगी। उस साध्वी के पति को मारने गई नागिन कहां पर है? कैसे पता करूं, उसका कैसे पता लगाऊं? कौन सी शक्ति उसे मेरे नियंत्रण से दूर कर रही है? हे पक्षीराज, नागलोक के संहारक, मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए। क्या हो रहा है मेरे जीवन में? जब से अभय का रूप धारण किया है मैं भूल चुका हूँ कि मैं त्रिशूल हूँ। वहाँ मेरा शरीर नहीं मिल रहा है और यहाँ कोई मुझे अभय कहकर बुला रहा है और उन्हें ही पिताजी ने घर में बुला लिया है। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरी मंजिल क्या है? मेरे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? मैं दूंगी अभय। तुम कैसे जवाब दोगी? वैसे तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं अभय, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारी इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, तुम्हारी मंजिल क्या है, ये बता सकती हूँ। तुम हो कौन पहले इस बात का जवाब दो। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ या फिर तुम कौन हो? पहले तुम अपने बारे में जान लो, फिर मेरे बारे में जान लेना। तुम नागों के सिर्फ शरीर पर केंचुली की परत चढ़ी होती है, पर तुम्हारे तो मन पर भी है। उसी परत ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। तुम सब कुछ भूल चुके हो। अष्ट दिक्पालक अधिपति, उस कपाल नेत्र के वंशज हो तुम। देखो, मैं पहले से ही अजीब सी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। अगर संभव हो तो मेरी उलझनों को दूर करो, वरना चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये सब छोड़कर अजीब सी बातें करके मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सब बताऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तुम्हें मेरे साथ एक स्थान पर चलना होगा। वहाँ जाकर मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी जिसका तुम्हें जाप करना होगा।
और तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। बस इतना ही है ना? चलो मैं चलता हूँ। अरे मूर्ख आदिशेष, जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उससे तुम्हारी शक्ति नागमणि के पास चली जाएगी और तुम नागमणि की सच्चाई नहीं जानते। वहां खड़ी नागिन का मुंह बंद करके मैं तुम्हारी शक्तियां नागमणि के अंदर डालकर उस नागमणि को अपना बनाऊंगी। तुम्हारा संहार करके मैं पूरे नागलोक का सर्वनाश कर दूंगी। क्या सोच रही हो तुम? चलो चलते हैं। चलो मेरे आदिशेष को कहां लेकर जा रही है? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। लगता है नागमणि में शक्ति डालने के लिए ये इसे लेकर जा रही है, या फिर कुछ और है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे रोकना ही होगा। आदिशेष है ये सच्चाई ये नहीं जानता। कहां लेकर जा रही हो इसे? इसका संहार करने के लिए। इसकी शक्ति नागमणि में डालकर नागमणि की शक्ति मेरी हो जाएगी। उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके साथ इस नागिन का भी संहार कर दूंगी मैं। अगर यही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम्हें पहले मुझ पर जीत हासिल करनी होगी। ये सिर्फ मेरा है और मैंने इसे पाने के लिए जन्म लिया है। तुम्हारा प्रेम एक तरफा है मायांगिनी, तुम भले ही इससे प्रेम कर रही हो लेकिन इसका प्रेम शिवानी के लिए ही है। इतने दिनों से उसे पता था कि मेरा आदिशेष मेरा त्रिशूल कहाँ है। इसका मतलब मेरा त्रिशूल इतने दिनों तक उसके दिग्बंधन में था। अब चाहे जो भी हो, मेरे आदिशेष के आने के बाद जब हम दोनों की शक्तियाँ एक होंगी तब हमारे सामने किसी की भी शक्ति काम नहीं करेंगी और तब मैं इस दिग्बंधन से भी मुक्त हो जाऊंगी। कहाँ है मेरा आदिशेष? आदिशेष, आदिशेष, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। आदिशेष, हे महादेव, मेरा आदिशेष जहां कहीं भी हो उसे मेरे पास भेज दीजिए प्रभु।